दर्शन का मतलब होता है जानना। उदाहरण के लिए बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई मेज रखी है, कोई टेबल रखी है, अब वो टेबल मेज जो है वो कहां से, उसे किसने बनाया, उसका क्या उपयोग हो सकता है। अब इस पर आप चिंतन करें बैठे कि भाई ये जो मेज है इसकी ऊंचाई जो है वो 2.5 फीट है, 3 फीट है, इसे कौन सी लकड़ी से बनाया गया होगा, इसे किसने बनाया होगा, ये यहां कैसे आई, इसका भविष्य क्या होगा, ये कब तक चलेगी, इत्यादि बातों पर चिंतन और मनन करना, विषय और वस्तुओं पर मनन और चिंतन करना दर्शन कहलाता है। किसी भी विषय पर आप चिंतन करें, मनन करें, उसे दर्शन कहा जाता है। आज आपके सामने एक निमंत्रण है जो प्रभु ने आपको दिया है, अब्राहम के समान, कि तू मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। इस विषय पर आप चिंतन और मनन कीजिए कि क्या मैं सिद्ध हो गया हूं या मैं सिद्धता के मार्ग पर चल रहा हूं। एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, यंग रिच रूलर केम टू जीसस क्राइस्ट, और उसने कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, वही निमंत्रण जो अब्राहम को दिया गया था, वही निमंत्रण, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, आज की शाम एक निमंत्रण आपके लिए है और वो निमंत्रण स्वयं परमेश्वर की ओर से, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो अपने प्राणों की रक्षा करो। आप बहुत बड़ी भीड़ की चिंता मत कीजिए, अपने प्राणों की चिंता कीजिए, अपने जीवन के बारे में चिंतन मनन कीजिए, अपने कमरे में बैठिए, दरवाजा बंद कीजिए, सोचिए कि आप कौन हैं, किस मार्ग पर आप चल रहे हैं, क्या जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं क्या वो जीवन का मार्ग है, उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं क्या आप उसे जान गए हैं, क्या आपकी भक्ति सार्थक है, स्वीकृत है, कहीं ऐसा ना हो कि केन के समान आपके उपहार जो हैं वो निरस्त कर दिए जाएं, आपकी भक्ति निरस्त कर दी जाए। वो लेकर तो आया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो परमेश्वर के पास उपहार लेकर आया था। आज आप भी उस परमेश्वर के पास अपनी वंदना, अपनी प्रार्थना को लेकर आए हैं, अपनी योजनाओं इच्छाओं को लेकर आए हैं, उस परमेश्वर के पास उसके दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन याद रखिए, हाबिल की प्रार्थना कर लिया गया। भक्ति तो सामूहिक है लेकिन दर्शन जो है वो व्यक्तिगत करना पड़ेगा, दर्शन व्यक्तिगत करना पड़ेगा तभी आपका जीवन बदलेगा। मेरे प्रियो, मैं आज की शाम के लिए अंतिम विषय बताकर समाप्त करूंगा, कल आपसे मुलाकात होगी बाइबल स्टडी में या फिर शाम को। मैं दिल्ली से चेन्नई हवाई यात्रा कर रहा था, मौसम सामान्य था, तभी अचानक जब जयपुर एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करती है, हवा में उड़ती है, एक बहुत तेज तूफान आ जाता है। इतना तेज तूफान आ जाता है कि पूरा जहाज सूखे पत्ते की तरह लड़खड़ाने लगता है, सारे यात्री चीखने और चिल्लाने लगते हैं, मृत्यु का भय बिल्कुल सामने है, पीड़ा और वेदना बिल्कुल सामने है, जहाज गिरते ही सारे यात्री मर जाएंगे। मैं अपनी खिड़की पर सीट पर बैठा हुआ था और मैं देख सकता था कि हम धीरे धीरे, हमारा जहाज लड़खड़ा रहा है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। कोई हल नहीं था, कोई समाधान नहीं था, कुछ नहीं किया जा सकता था। जहाज में चीख रहे, चिल्ला रहे सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, जाति समाज के लोग चिल्ला रहे हैं, चीख निकल रही है, रोना पीटना मच रहा है। मैं भी अपने जीवन के लिए थोड़ा सा संकोच करने लगा कि प्रभु अगर ये जहाज गिरेगा तो आज मैं संसार में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और अपने प्राण को आपके हाथों में सौंपता हूं। अगर कोई गलती हुई हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको अप्रिय हो, आपकी दृष्टि में घृणित हो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मृत्यु का दर्शन कर रहा हूं और परमेश्वर का दर्शन कर रहा हूं, गंभीर परिस्थिति है। तभी मन में एक छोटे से विश्वास से जन्म लिया, बहुत छोटे से। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी होगा
छोटा सा विश्वास कि प्रभु अगर आप मुझे जीवन देंगे तो मैं जीवन भर आपका प्रचार करूंगा और आपका दर्शन हजारों लोगों को कराऊंगा। प्रभु ने प्रार्थना को सुना, हम सब लोग बच गए। लेकिन आप जानते हैं मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा हुई, बहुत बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं उस पायलट को देखूं, उससे मिलूं, उसको नमस्कार करूं, उसको प्रणाम करूं। क्योंकि अमूमन हम उतर कर चले जाते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे जहाज का पायलट कौन है। लेकिन मन में ऐसी गहरी जिज्ञासा हुई, लोग जाने लगे लेकिन मैं खड़ा रहा। मैं आगे बढ़कर गया, मैंने हाथ बढ़ाया और मैंने कहा मैं आपको शुभकामना, बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने कहा बिल्कुल, मैं आपकी बधाई और धन्यवाद को स्वीकार करता हूं। आज तो बहुत कठिन परिस्थिति थी, हम सब बच गए। मैं आज तक उस पायलट का चेहरा स्मरण रखता हूं, उसका चेहरा मुझे याद है। जब मैं आगे बढ़ा तो आप जानते हैं प्रभु का वो वचन मुझे याद आ गया। उसने कहा मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए उस परिस्थिति में मेरे लिए एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हो गया कि मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं। वो कौन है जिसने हम सबके प्राणों को बचा लिया? तो क्या मैं उस परमेश्वर का दर्शन ना करूं जिसने मेरे अंदर प्राण, अपनी सांसें और अपना जीवन दिया है? क्या मैं उसे ना जानूं, उस जीवन के स्वामी को ना जानूं कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा होगा? मेरे प्रियो, आज एक निमंत्रण आपके लिए है, एक निमंत्रण आपके लिए है। उसे जानिए, उसके निकट आइए, उसे प्राप्त कीजिए।